इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ये हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो इंक्रीजिंग का मतलब आपको बेसिकली वैसे पता है कि किसी चीज का कंटिन्यू बढ़ना, और डिक्रीजिंग मतलब किसी भी चीज का कंटिन्यू नीचे की तरफ रहना, डाउनवर्ड। जैसे मान लो मार्केट, जैसे आज के टाइम अगर हम जनरलाइजेशन में अगर देखें तो पेट्रोल का रेट डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग की अगर बात देखिए तो हमारी जो अर्थव्यवस्था वो दिन पे दिन डाउन होती जा रही है, तो वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखो हम बात करें यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के, मैथमेटिकली कैसे इसको हम चेकआउट करेंगे कि कौन सा फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है और कौन सा फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है। तो देखो इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या, सबसे पहले तो ये देखो, देखो इसमें हम लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इसमें कहेंगे कि फंक्शन, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ब्रैकेट में लिखूंगा एस डॉट आई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। एंड ओपन इंटरवल आई, कोई भी ओपन इंटरवल ले लिया मैंने आई, इफ x1, x2 belongs to i, then f(x1) < f(x2) से, ठीक है। इफ x1, x2 belongs to i, ये भी कह सकता हूं कि x1 मैंने मान लिया x1 < f(x2) से, तो देन मैं ये भी कह सकता हूं f(x1) किससे लेस देन होना चाहिए f(x2) से, देन फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ग्राफिकली इसको सीखते हैं, तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस, मान लो एक पॉइंट यहां, मेरे पास एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां। तो अगर मैं यहां से कोई ग्राफ शुरू करता हूं, देखो मैंने मान लो ये बनाया, ये ग्राफ यहां से यहां तक गया, तो ये जो ग्राफ है मेरा, ये कौन सा ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ। देखो मान लो हमने फंक्शन लिया fx = x² और x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर पे, तो देखो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, x की वैल्यू 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16, तो ये जो ग्राफ आएगा मेरे पास, ये इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये होता है मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जब कोई भी ग्राफ कंटिन्यू बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और जब कोई ग्राफ स्ट्रिक्टली डाउनवर्ड आएगा तो उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो दूसरी बात, इसमें एक बात और भी कह सकते हैं, और एक डेफिनेशन और भी कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, देखो अगर x1 > x2 से तो मैं कहूंगा f(x1) > x2, और बेटा अगर आप ले तो x1 > x2, मान लो अब कोई बच्चा कहता है कि अगर x1 > x2 से, तो दैट मीन मैं ये कहेंगे कि f(x1) > f(x2), अगर हमने एलिमेंट्स का साइन, अगर x1 बड़ा है x2 से तो हमारे फंक्शन का साइन भी क्या होना चाहिए, अगर x1 बड़ा है f(x2) से तो फंक्शन कहेंगे इंक्रीजिंग, अगर हमने x1 बड़ा ले लिया x2 से और फंक्शन की वैल्यू अपोजिट इन साइन आ गई तो मैं कह दूंगा फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग, ठीक है। देखो ये फंक्शन है मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया इसको, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं, मान लो ये कोई ग्राफ है मेरे पास, यहां से जैसे बन पाए x है तो वो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, अगर मैं उसके लिए इंटरवल मेंशन कर देता हूं, ठीक है। तो मान लो कोई ग्राफ मेरा ऐसे जा रहा है, तो ये ग्राफ भी कहेंगे इंक्रीजिंग है, कहां से स्टार्ट किया, यहां से ऊपर की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, तो ये ग्राफ मेरा हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन और क्या था, मैं ए फंक्शन इज, देखो और मैं कह रहा हूं ए फंक्शन इज, ए फंक्शन fx इज सेट टू बी, ए फंक्शन fx इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड ओपन इंटरवल, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ओन एंड ओपन इंटरवल इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। ये कहता हूं इफ डेरिवेटिव मस्ट बी पॉजिटिव, अगर इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो मैं कह दूंगा फंक्शन मेरा क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं डेरिवेटिव को चेक कर लें, तो अगर डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है तो फंक्शन इस सेट को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह देंगे। ठीक है, ये तो था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो ध्यान से, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है ध्यान से देखो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रेगुलेटर ऑफ एफ रोड डी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन एन ओपन इंटरवल, ऑन एन ओपन इंटरवल आई इफ एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग्स टू आई देन एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग्स टू आई एंड मैंने कह दिया कि एक्स वन जो बोले थे एक्स टू से देन एफ एक्स वन ग्रेटर आज एफ एक्स टू से। देखो कि मैंने x1 को छोटा मान था x2 से, पर फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स वन बड़ी आ गई एफ एक्स टू से, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और मैं ये भी कह सकता हूं मान लो मैं एक्स वन ग्रेटर है एक्स टू से, और देन अगर मैं ये दिखा दूं कि एफ एक्स वन लेस देन हो गया आपकी बार एफ एक्स टू से, तो भी फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अगर हमने जिस एलिमेंट्स को ग्रेटर माना है और फंक्शन उसकी वैल्यू लेस देन आ जाएगी तो उस फंक्शन को बोल देंगे ये जो फंक्शन है मेरा ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली लेस देन, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इसको अगर ग्राफिकली अगर बताऊं तो ऐसे करेंगे। देखो मान लो एफ एक्स कोई फंक्शन है मेरे पास वन बाय एक्स और एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल लेता हूं आपके लिए कोई ना कोई मान लो टू से सॉरी जीरो से फोर। अब देखो जीरो से फोर वाले रेंज में निकल जाएगा मुझे वन से फोर, अगर एक्स की वैल्यू वन तो वाई वन, एक्स की वैल्यू देखो एक्स की वैल्यू वन तो वाई वन यहां ले लिया मैंने, एक्स टू तो वाई वन बाई टू, एक्स थ्री तो वाई वन बाई थ्री, एक्स फोर तो वाई फोर लिख छोटे। तो देखो अगर इसका ग्राफ बनाऊंगा मैं तो ये जाएगा ऐसे, तो ये जो फंक्शन आ रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो यहां से स्टार्ट हुआ था और ये इस तरफ जा रहा है, ये फंक्शन मेरा हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा और देखते हैं, और मैं बताता हूं आपको जिसका ग्राफ कंटिन्यू डाउनवर्ड आएगा, मान लो e की पावर x है उसका ग्राफ क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। देखो e की पावर x जो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे जाता है। अब हम बात कर रहे हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की। देखो डिक्रीजिंग फंक्शन में एक तो एग्जाम्पल देता मैंने आपको एफ एक्स का एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स टू वन बाई एक्स एक्स लॉस टू वन से फोर ओपन इंटरवल। तो ऐसे हमारे पास बहुत से ग्राफ्स हैं जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की तरफ जाएंगे। मान लो मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया एफ एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर और एक्स बिलोंग कर दिया मैंने जीरो से टू। अब इसका अगर ग्राफ बनाएंगे देखो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ये जीरो ये वन ये टू जीरो वन टू। देखो एक्स की वैल्यू जीरो तो फंक्शन की वैल्यू जीरो, एक पॉइंट दिया गया, एक्स की वैल्यू वन तो वाई की वैल्यू माइनस वन। देखो ये हो गया माइनस वन, यहां कहीं ना कहीं माइनस वन भी आएगा, ये मेरे पास माइनस टू भी आएगा। देखो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर, तो अगर मैंने वन लिया तो ये वैल्यू आगे माइनस वन, टू लिया तो वैल्यू आगे माइनस फोर। तो ये जो ग्राफ है मेरा ये फिर से क्या है डिक्रीजिंग ग्राफ, तो ये फंक्शन भी क्या हो गया डिक्रीजिंग। देखो इसको कर्व शेप मिलेंगे तो ऐसे आएगा, ये यहां पर माइनस वन ये मेरा माइनस फोर ये जीरो। ठीक है, तो ये ग्राफ भी क्या हो गया मेरे पास डिक्रीजिंग ग्राफ।
तो ध्यान रखना बेटा जिस फंक्शन, अब इसकी एक और डेफिनेशन देता हूं मैं आपको, ये तो मेरे पास एग्जांपल। अच्छा और एक और डेफिनेशन देखो ध्यान से, और ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन एन ओपन इंटरवल, ऑन एन ओपन इंटरवल आई इफ एफ डैश एक्स क्या हो जाए लेस देन जीरो। या मैं ये कह सकता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज नेगेटिव, अगर फंक्शन की, फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से छोटा आ जाए या नेगेटिव आ जाए तो हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, सेट टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, व्हेन इट्स डेरिवेटिव इज नेगेटिव, दैट इज इट्स डेरिवेटिव इज नेगेटिव। छोटे बड़े क्या लिखे डेरिवेटिव समझ लीजिए आप, ठीक है ना। अगर एफ डैश एक्स जीरो से छोटा आता है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या मैं कहता हूं इट्स डेरिवेटिव इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब हम बात करते हैं, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब हम बात करें मोनोटोनी, तो बात करें मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन। तो मोनोटोनिक का मतलब मोनोटोनिक, दो वर्ड से बने मोनो प्लस टोनिक, मोनो मतलब एक जैसा, मोनो मतलब टोनिक मतलब एक जैसा, जब कोई फंक्शन एक जैसा व्यवहार करता है तो उसको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। देखो इसमें हम क्या कह रहे हैं, ए फंक्शन सेट टू मोनोटोनिक, ए फंक्शन देखो यहां लिखकर लिख लो, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी मोनोटोनिक, सेट टू बी मोनोटोनिक ऑन एन इंटरवल, ऑन एन ओपन इंटरवल आई, ऑन एन ओपन इंटरवल आई इफ इफ एफ एक्स इज, इफ एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और Neither strictly increasing nor strictly decreasing, ना तो strictly increasing हो और ना ही strictly decreasing हो, ठीक है। Neither strictly increasing और strictly decreasing, देखो इसका ग्राफ जैसे मान लो मैंने ले लिया एफ एक्स है कोई फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू टू ले लिया, इसमें वाई इक्वल टू टू, ये मेरे पास एक्स एक्स वाई एक्स, तो वाई इक्वल टू टू ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्स, तो ये जो ग्राफ बनेगा ये लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्स, तो ये जो ग्राफ है नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली सॉरी मोनोटोनिक फंक्शन। देखो बहुत सारे से ग्राफ होता है जो ना तो बढ़ते हैं ना ही घटते हैं, बिल्कुल पैरेलल चलते हैं फंक्शन के, तो उसको बोलते हैं जो फंक्शन ना तो इंक्रीज करे और ना ही फंक्शन ना डिक्रीज करे, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। जैसे हम साइन एक्स का भी ग्राफ ले सकते हो आप, ठीक है। अब मान लो ये फंक्शन है मेरे पास, मान लो मैंने कोई ग्राफ बनाया, देखो मान लो मेरे पास एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, ठीक है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, तो ये देखो ये टाइप के जो फंक्शन होंगे ये ना तो इंक्रीजिंग होते हैं ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली Neither increasing nor decreasing is said to be a strict monotonic function. जो function ना तो increase करे और तो function ना decrease करे, जो function बिल्कुल एक parallel चले, एक ही direction में हो और same height लेकर चले, उसको हम बोलते हैं neither increasing और nor decreasing function, ठीक है ना। तो ये function होता है मेरा monotonic function। अब इसके बाद हम चलेंगे देखो exercise की तरफ, तो बेटा देखो इसमें हमारे पास दो तीन टेस्ट है, एक तो हमारे पास होगा सबसे पहले जो स्टार्ट करें वो करें विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट। देखो मेथड्स में हम करेंगे विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट, में क्या करते हैं ध्यान से सुना, एक्स इज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव शो दैट, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव शो दैट, देखो फर्स्ट पार्ट में हमारे को दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, वेयर ए कोमा बी आर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट्स एंड ए ग्रेटर देन जीरो इज स्टिल इंक्रीजिंग फंक्शन एंड ए ग्रेटर देन जीरो इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। देखो बेटा जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें हमारे ये बोल रखा है कि हमने विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव टेस्ट का यूज नहीं कर रहा है और हमने ये शो करना है कि जो एफ एक्स फंक्शन है मेरे पास ए एक्स प्लस बी वेयर ए और बी दोनों के कांस्टेंट है और ए ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। देखो सॉल्यूशन, हियर एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और ए ग्रेटर देन जीरो। अब देखो हम क्या करके चलेंगे और आप रियल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए बोल रहे हैं, तो हमने मान लिया लेट एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर में से हमने पॉइंट उठा लिए, ठीक है, एक्स वन कोमा एक्स टू। अब देखो मैंने मान लिया एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर एंड मैंने मान लिया एक्स वन बड़ा है सॉरी एक्स टू से, अगर एक्स वन बड़ा है एक्स टू से, अब मैंने क्या किया दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ठीक है, मैंने मान लिया देखो एक्स वन ग्रेटर एक्स टू मान सकते हो, आप ये भी मान सकते हो एक्स वन लेस देन है एक्स टू से, ठीक है, लेट एक्स वन को एक्स टू स्क्वायर एंड मैंने मान लिया कि एक्स वन किससे छोटा है एक्स टू से, अब दोनों तरफ फंक्शन में मेरे पास ए एस टी है तो मैंने करके मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए, और ए के पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब मेरी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि दोनों तरफ हम सेम पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करें, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते तो इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी, तो यहां पर आ गया ए एक्स वन लेस देन हो गया ए एक्स टू से। अच्छा उसका फंक्शन हमारा कुछ ये बी, अब एडिंग बी ऑन बोथ साइड तो ये बन गया ए एक्स वन प्लस बी लेस देन हो गया ए एक्स टू प्लस बी। देखो फंक्शन में अगर एक्स है तो फंक्शन एफ एक्स है, यहां पर एक्स वन है तो ये यहां से बनेगी एफ एक्स वन, ये लेस देन हो गया एफ एक्स टू से, तो एफ एक्स वन किससे छोटा हो गया मेरे पास एफ एक्स टू से, तो इसका मतलब फॉर ऑल ये तो हमने ऊपर मेंशन ऐसे कर दिया है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो हेंस एफ इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हेंस एफ एक्स इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जो साइन हमने ऊपर लिया एलिमेंट्स का वही सर हमारा इमेजेस का या फंक्शंस का है, तो इसका हम फंक्शन क्या हो गया मेरे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बट अगर डेरिवेटिव टेस्ट ऊपर मेंशन नहीं होता तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी ए और ए इससे बड़ा जीरो से, और मैंने कहा था अगर एफ डैश एक्स मेरा जीरो से बड़ा हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो मैं ये भी कह सकता हूँ यहां से भी कि फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन यहाँ पर हमारा मेंशन किया गया कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसके पार्ट नंबर सेकंड पर, देखो सेकंड पार्ट डू योर सेल्फ बट अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसका थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है ध्यान से एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस थ्री एक्स इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन
ओन आर्म। ठीक है, देखो अब की बार हम आपको ये शो कर रहे हैं कि जो फंक्शन एफ एक्स हमारे पास 2 माइनस 3x, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इसको कैसे शो करेंगे? देखो सॉल्यूशन, हियर एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x, मैंने मान लिया लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू आर एंड x1 मैंने मान लिया लेस देन है x2 से। अब देखो x2 किससे मल्टीप्लाई किया गया? माइनस 3 से, तो मैं यहां पर लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस 3। माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी वाली चेंज हो जाती है। देखो इनइक्वालिटी दो केसेस में चेंज होती है, या तो हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, या फिर किसी भी नंबर को हम आपस में रेसिप्रोकल करते हैं तब हमारी इनइक्वालिटी चेंज होती है। 11th क्लास में सिक्स चैप्टर में सारी प्रॉपर्टीज की थी, तो यहां से का माइनस 3x1 लेस देन माइनस 3x2 दोनों तरफ में 2 ऐड कर देंगे। देखो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 2 माइनस 3x1 और लेस देन अपर 2 माइनस 3x2। अब एक बात देखो बेटा, मैंने देखो मल्टीप्लाई की तो इनइक्वालिटी चेंज करा है, यहां पर ये मेरे पास बन गया एफ एक्स वन, ये किससे बड़ा आ गया एफ एक्स टू से। देखो मैंने एलिमेंट को लिया था एक्स वन छोटा था एक्स टू से, लेकिन मेरी क्या गया फंक्शन से मेरा एफ एक्स वन बड़ा आ गया एफ एक्स टू से, तो जो ऊपर साइन है उसका पॉजिटिव इनइक्वालिटी मेरे पास नीचे आ गई है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं हेंस एफ एक्स इज ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मैं ये कह सकता हूं जो एफ एक्स वाला फंक्शन है वो क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये मेरे को शो करके दिखाना था कि जो आपका फंक्शन 2 माइनस 3x है वो क्या है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पर, तो इसमें कह रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू, पार्ट नंबर 4 एफ एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और 0 से इंफिनिटी, यहां पर इंटरनल मैक्सिमम कर देगा ऑन 0 से इंफिनिटी आर प्लस पॉजिटिव जीरो नंबर। तो देखो यहां पर हम क्या करेंगे, एफ एक्स मैंने मान लिया माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 और एक्स बिलोंग कर रहा है 0 से इंफिनिटी, तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स वन कोमा एक्स टू बिलोंग कर रहे हैं 0 से इंफिनिटी में और एक्स वन लेस देन एक्स टू। अब देखो फंक्शन की तरफ चलते हैं, थोड़ा फंक्शन में हमारा क्या किया, सबसे पहले फंक्शन का रेसिप्रोकल किया गया। ठीक है, मैंने फंक्शन को कर दिया रेसिप्रोकल, तो ये कितना हो गया 1 बाय एक्स वन रेसिप्रोकल, तो इससे फंक्शन मेरा चेंज हो जाएगा, ये हो गया फाइव एक्स टू। फिर दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया माइनस 1 से, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस 1। ठीक है ना, अब दोनों तरफ माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस 1, तो ये कितना होगा माइनस 1 एक्स, फिर से इनइक्वालिटी मेरी चेंज हो गई। बट मैंने पहले बताया था कि हमारी इनइक्वालिटी कब चेंज, देखो मैं आपको बता सकता हूं, देखो हमारा 2 ग्रेटर देन 1 से, अगर मैं दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करता हूं अब कौन सी वैल्यू बड़ी हो गई माइनस 1, तो माइनस मल्टीप्लाई करते इनइक्वालिटी फिर से चेंज हो गई। और देखो मान लो मैंने कहा कि 3 ग्रेटर देन है 2 से, वैसे टोटल करेंगे तो 1 बाय 3 और ये 1 बाय 2, तो 1 बाय 3 किससे छोटा हो गया 1 बाय 2 से, तो ध्यान रखना इनइक्वालिटी कब चेंज होगी, या तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर किसी भी फंक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी को चेंज करेगा। अब दोनों तरफ अगर ऐड कर दो, देखो माइनस 1 बाय एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, तो ये फंक्शन बन गया मेरे पास एफ एक्स वन और ये मेरे पास बन गया एफ एक्स टू, तो दैट इंप्लाइज मैं कह सकता हूं एफ एक्स वन लेस देन हो गया एफ एक्स टू से। देखो जो साइन मैंने एलिमेंट्स के लिए थे वही मेरे पास साइन फंक्शन के लिए आ गए, तो दैट इज तो हेंस एफ एक्स इज एन हेंस एफ एक्स इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो मेरे पास जो एफ एक्स फंक्शन है वो क्या है फिर से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप डेरिवेटिव से भी वैसे रफली चेकआउट कर सकते हो, देखो 1 बाय x का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था माइनस 1 बाय x स्क्वायर, लेकिन माइनस एक ऑलरेडी पहले है तो माइनस माइनस प्लस फंक्शन बन गया 1 बाय
एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन मेरे पास हो गया ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि मैंने कहा था अगर डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तो फंक्शन मेरा क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और नेगेटिव होती है तो फिर दीजिए फॉर ऑल या इधर लिख लो फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है जीरो से इसमें कह रहे हैं कि प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स सॉरी प्लस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व इज इंक्रीजिंग ऑन आवर चीज इंक्रीजिंग ऑन आवर सॉल्यूशन। बट आपके पास देखो हमारे पास कोई मेंशन नहीं है कि विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट या डेरिवेटिव का यूज करते हमारी चॉइस आप किसी भी मेथड से फंक्शन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखो हियर एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व और एक्स बिलोंग करता है मेरे पास रियल नंबर से, तो मैं कर रहा था डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम डेरिवेटिव करेंगे एफ एक्स फंक्शन का तो देखो एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैस एक्स, ये बनेगा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री एफ डैस एक्स। मैंने क्या किया था थ्री कॉमन ले लिया, ये बन गया फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस फोर एक्स। अब एफ डैस एक्स इक्वल टू इसको मैं लिख सकता हूं देखो टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए क्योंकि फोर एक्स की है प्लस वन माइनस टू टू जा फोर एक्स, तो दैट इंप्लाइज एफ डैश एक्स इक्वल टू थ्री टाइम्स टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज ऑल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा एक्स बिलोंग करेगा जब आर से तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्योंकि देखो ये जिसके ऊपर स्केयर है देखो स्केयर वाली टर्म कभी भी जीरो से छोटी नहीं होती है, अगर जीरो से छोटी नहीं है तो ये फंक्शन मेरा क्या होगा आगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये मेरे पास आया बोला थ्री टाइम टू एक्स माइनस वन का उसके करने के टू जीरो का रीजन दे रहे थे फोर टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर जो होगा ग्रेटर इक्वल टू जीरो हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बड़ा सिंपल था, मैंने इसका डेरिवेटिव किया और मैंने कहा था अगर फंक्शन का डेरिवेटिव की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, थर्ड क्वेश्चन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस आर फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सॉल्यूशन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स एक्स ट्वेल्व है ग्रेटर देन वन, इट मीन्स दैट इज एक्स बिलोंग कर रहे हैं वन से इंफिनिटी। देखो अब यहां पर हम डायरेक्टली चेक कर रहे थे तो इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, आपकी चॉइस है डिफ्रेंशिएशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो क्या एफ डैश एक्स, ये हो गया वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर
अब एक बात सुनो, यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो f डैश है, अगर आप एलसीएम ले तो ले लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखो इसने बोला कि x वैल्यू जो 1 से बड़ी होनी चाहिए, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर रहे हैं, ये वैल्यू क्वाड्रेटिक इंप्लाइज, मैं कह रहा हूँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल जब x किसको बिलोंग करेगा 1 से इंफिनिटी। अब कोई भी वैल्यू उठा लिया 1 से इंफिनिटी के बीच में, तो ये वैल्यू जो है ये तो मेरे को भी जीरो से बड़ी होनी सकती, सॉरी जीरो से छोटी नहीं होगी, ना ही जीरो होगी, क्योंकि 1 से इंफिनिटी के बीच में ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं बन सकती। और यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, 1 से अगर छोटी वैल्यू होती तो ये मेरे पास नेगेटिव आ जाता, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या 1 से बड़ी, आप यहाँ पर 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट कर ले, हमारा आंसर हमेशा क्या रहेगा, स्टीडली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का फल। तो डज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल जब x बिलोंग करेगा 1 से इंफिनिटी, या दैट इज एक वैल्यू जब x बड़ा होगा 1 से। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं देखो थर्ड का सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट देखो। तो एफ एक्स फंक्शन है मेरे पास 5 एक्स की पावर 3/2 माइनस 3 एक्स की पावर 5/2 और कह रहे एक्स की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 है। यहां पर फंक्शन वैल्यू को देखा, ध्यान से देखो, देखो फिर से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ डैश एक्स 15/2x की पावर 1/2 माइनस 15/2x की पावर 3/2। अब देखो यहां से आ गया एफ डैश एक्स, मेरे पास आ गया 15/2x की पावर 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स। अब एक बात सोचो बेटा, ये है रूट का फंक्शन और वहां पर बोल रहे हैं एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन जीरो, रूट वाला फंक्शन हमेशा जीरो से बड़ा होता है। अब आप यहां पर एक्स की वैल्यू कभी भी जीरो से बड़ी करोगे तो मिनिमम वैल्यू इसकी जीरो बनेगी। ठीक है, और बाकी आप जीरो से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पर पुट अप कर लीजिए 1/2, 2, 3, 4 तो ये वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा लेस देन 0, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x लेस देन 0। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूँ कि जो मेरा f डैश फंक्शन है, f डैश x फंक्शन वो क्या है, लेस देन 0। ठीक है, बेटा देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे कुछ में करना था फाइंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहां पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग और यहां पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है ना, तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू देखो, क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल देखो इसके लिए निकालेंगे क्रिटिकल वैल्यू, सबसे पहले क्रिटिकल वैल्यू में क्या करते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अभी तो जब 0 पे पुट करेंगे तो 15/2 एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। देखो या तो यहां से x की वैल्यू 0 या 1 माइनस एक्स की वैल्यू 0, x की वैल्यू या तो 0 या x की वैल्यू 1। अगर हम इसको लाइन बनाए देखो यहां से 1.0 1.1, अब देखो सबसे पहले देखो x वैल्यू 0 से बड़ी, ये वाला क्वेश्चन तो रिजेक्ट हो गया, इधर जाएंगे हम तो सबसे पहले देखेंगे x बिलोंग कर रहे जब 0 से 1। अब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच भी आप कोई भी वैल्यू उठाइए और f डैश x में पुट कीजिए, देखो f डैश x 0 से बड़ी है 1/2 लिया मैंने, देखो पॉजिटिव 1/2 ये फंक्शन क्या कहते हैं, तो f डैश x मेरे पास ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से 1। अब हम लेंगे देखो 1 से इंफिनिटी, जब x बिलोंग कर रहा है मेरा 1 से इंफिनिटी, तो f डैश x 1 से इंफिनिटी में कोई भी वैल्यू उठाएंगे
और यहाँ पुट करेंगे देखो 2 उठाया 1-2 नेगेटिव तो x वैल्यू होगी फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 तो इसका मतलब fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जब x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ठीक है ऑन 0 से 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 से इंफिनिटी तो बेटा ध्यान रखना जब x वैल्यू 0 से 1 रहेगी तो फंक्शन वैल्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा जब x वैल्यू 1 से इंफिनिटी रहेगी तो फंक्शन वैल्यू स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा ठीक है अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 देखो मैं आपको करा रहा हूं तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू जब हम फंक्शन की वैल्यू 0 पर पुट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू थर्ड पार्ट में है देखो fx इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 और x नॉट इक्वल टू माइनस 2 -2 ले ली इसलिए फंक्शन मेरा बन जाएगा 0/0 ठीक है सॉरी इन्फिनिटी बन जाएगा और इन्फिनिटी फंक्शन मेरा डिफाइन नहीं होता है तो हम क्या करेंगे देखो इसके लिए सबसे पहले डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये तो बन गया एफ डैश एक्स इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर फंक्शन एज इट इज डीवाई डी एक्स एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू डीवाई डी एक्स एक्स प्लस टू देखो एफ डैश एक्स ये तो बन गया एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 2 का 0 एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर नेगेटिव 1 2 का 0 नीचे मेरे पास बन गया एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर तो एफ डैश एक्स क्या आ गया देखो एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू अपॉन में x प्लस टू का होल स्क्वायर देखो x से मेरा x कट गया तो f डैश x जो मेरे पास आया वो हो गया 4 अपॉन में x प्लस टू का होल स्क्वायर तो मैं कह सकता हूं दैट इंप्लाइज f डैश x इक्वल टू 4 अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर क्या करते हैं 0 फॉर ऑल जब x नॉट इक्वल टू माइनस टू और मैं ये भी कह सकता हूं जब x बिलोंग कर रहा है r माइनस ऑफ माइनस टू ठीक है तो दैट इंप्लाइज f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर माइनस माइनस तो ये मेरे पास आ जाएगी सीधा रिक्वायर्ड आंसर ठीक है तो ये था मेरे पास अगर वो भी देखो रीजन आप देख सकते हो नंबर 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और x प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है वो भी ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल जब x नॉट इक्वल टू माइनस टू तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो ऑल फंक्शन की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव तो इसका मतलब फंक्शन मेरा क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन तो बेटा ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट आपको खुद करना है तो आज के लिए बेटा इतना बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।